हाँ जी बच्चों मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं आपको इलेवेंथ में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ और इकोनॉमिक्स में आपके दो बुक है फर्स्ट आपका स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड सेकंड आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चे सबसे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है जिसका आपके एग्जाम में फोर्टी मार्क्स का वेटेज है और इसमें टोटल चार यूनिट आते हैं जिसमें से मैं सबसे पहले यूनिट नंबर टू हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर और इसका एग्जाम में थर्टीन मार्क्स का वेटेज है इसमें चार चैप्टर आते हैं जिसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर वन हमने भी स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है यूटिलिटी और इसको हम कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं अब बच्चे अब हम इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे आ चुके हैं तो आइए पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में एग्जाम में कितने कितने एंगल से इसको आपसे पूछ सकते हैं तो क्या कहता है कंज्यूमर इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी इसका मतलब यह है कि अब आप क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में अब आपको दो कॉमोडिटी का आप एक साथ कंजम्पशन कर रहे हैं आपको दो कॉमोडिटी आपको दे दिए हैं वो दो कॉमोडिटी कुछ भी हो सकते हैं लाइक समोसा पेप्सी वो दो कॉमोडिटी आपके कुछ भी हो सकते हैं तो अब आप दो कम्योडिटी का एक साथ कंजम्पन कर रहे हो तो कंज्यूमर एक्लिब्रियम के स्टेज पर कैसे आएगा तो यही आपका क्वेश्चन है कंज्यूमर इन केस ऑफ टू कॉम्योडिटी अगर दो कॉम्यूडिटी का कंजम्पन कर रहे हैं तो कंज्यूमर एक्लिब्रियम के सिचुएशन पे कैसे जाएगा और बच्चे इसी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकते हैं आपसे एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्लेब्रियम अज्यूमिंग दैट कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स तो वही सेम क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज करके इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं सेम क्वेश्चन को ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं यहां पर आ कंज्यूमर अ कंज्यूमर ओनली टू गुड्स अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स तो इसको आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकते हैं आ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स वट आर कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर एक्लिब्रियम इन द यूटिलिटी अप्रोच एक्सप्लेन द चेंजेस दैट विल टेक प्लेस इफ द कंज्यूमर इज नॉट इन एक्लिब्रियम तो कह रहा है कि कंज्यूमर टू कॉमोडिटी का कर रहा है तो पे आने के लिए क्या कंडीशन है अगर वो एक्म में नहीं है तो वो पे कैसे आएगा उस क्या चेंजेस उसमें होंगे तो ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट और ये आपके फाइव मार्क्स का आ जाता है लेकिन आपको पूरी डिटेल में नॉलेज इसलिए लेने की नीड है आपको क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बन जाते हैं

ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करता है किसी की इनकम का अपना लेवल होता है किसी की इनकम का अपना लेवल होता है लेकिन जिसकी जो भी इनकम है अगर उस इनकम में वो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेता है वो मैक्सिमम सेटिसफेक्शन लेता है तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर को कहेंगे कंज्यूमर में है और यहां पर कंज्यूमर टू कॉम्योडिटी का कंजम्पशन कर रहा है तो आप समझ चुके हैं कि कंज्यूमर अपने गिवन इनकम को ऐसे एक्सपेंड करेगा ऐसे खर्च करेगा गिवन इनकम को किन दोनों कॉम्योडिटी से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि दो कॉमोडिटी में से कॉमोडिटी वन का कितने यूनिट कंजम्पशन करना है और कॉम्योडिटी

तो आइए बच्चे इसको हम इसके आंसर की तरफ जाते हैं और एक इमेजिनरी शेड्यूल से हम इसका जो है एग्जाम्पल को देखते हैं हाँ जी बच्चे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे अब हम आंसर पे आ जाते हैं तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना है आपको कि टू कॉमोडिटी का आप कंजम्पशन कर रहे हैं और आपकी जो भी गिवन इनकम है आपकी इंटेंशन ये है कि आपका अप्रोच ऐसा रहना चाहिए जिससे आपका टोटल लेवल क्या हो मैक्सिमम हो तो यहां पर अगर आप इस स्टेज पर आ जाते हैं आपको रियलाइज हो जाता है कि जी हां इस इनकम में ये जो मेरा लेवल बना है ये मैक्सिमम में इससे ज्यादा हो नहीं सकता है तो समझ जाइए वो सिचुएशन आपका एक्लेब्रियम का सिचुएशन है कंज्यूमर एक्लिब्रियम के कंडीशंस पर आप आ गए हैं आप टू कॉम्युनिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं अब कैसे होगा आइए जरा इस चीज को हम एक शेड्यूल लेकर के समझते हैं लेकिन इस शेड्यूल पे आप आए इससे पहले बच्चे आप आइए यहां पर कुछ हमने अजंपशंस लिए हैं उसको जरा देख लेते हैं बच्चे इसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटी दो कमोडिटी के कंजम्पशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा इस सेम क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी तो एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ, पूछ सकते है आपको एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर है तो इसमें कुछ अजम्पन है हमारे वो अजम्पन हमारे क्या है आइए जरा इसको देखते हैं फर्स्ट क्या कह रहा है टोटल मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फाइव रूपीज मान लेते हैं लेट मान लेते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करवाने के लिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट आप पकड़ पाओ कॉन्सेप्ट को समझ पाओ तो ये एक इमेजिनरी शेड्यूल लिया है एक इमेजिनरी आपके कुछ एग्जाम्पल सेट किए हैं जिसकी हेल्प से आपको अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आइए बच्चे तो स्टार्टिंग में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि टोटल मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फाइव रुपीज मतलब क्या हुआ टोटल मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फाइव रुपीज एक एक कंज्यूमर की जो इनकम है वो क्या है फाइव रुपीज है उसकी इनकम बता दिया लिमिटेड इनकम बता दिया अब आप ध्यान रखिएगा वो अपनी इनकम से ज्यादा नहीं जा सकता है पांच रुपए उसकी इनकम है आप दूसरी बात ये भी ध्यान रखेंगे कि कंज्यूमर की जो भी इनकम होती है उस इनकम को एक साथ एक ही जगह पर एक बार में ही कंज्यूमर खर्च नहीं करता है उस इनकम को धीरे धीरे कर करके कंज्यूमर क्या करता है एक्सपेंड करता है मान लीजिए हमारे ही डैडी की सैलरी जब आती है तो वो सैलरी जब आती है तो वो एक ही जगह पर एक ही चीज में सभी सैलरी नहीं लग जाती है उस सैलरी को धीरे धीरे अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस में एक्सपेंड करते हैं तो ऐसे ही यहां पर कंज्यूमर की इनकम फाइव रुपीज है तो कंज्यूमर पांच रुपए को एक साथ इकट्ठा एक, एक ही जगह पर खर्च नहीं करेगा क्लियर है इसको धीरे धीरे खर्च करेगा तो मान लीजिए वो एक एक रुपए करके खर्च करेगा क्लियर है तो कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई पांच रुपए और कंज्यूमर कैसे खर्च करेगा कंज्यूमर एक एक रुपए कर करके इसको खर्च करेगा अब बच्चे क्या कह रहा है स्पेंड ऑन टू कॉमोडिटी एक्स एंड वाई पे दो कॉमोडिटी पे खर्च कर रहा है बोथ ऑफ दिस कॉमोडिटीज आर प्राइज रुपीजी पर यूनिट तो बच्चे कंज्यूमर की इनकम जो है पांच रुपए है और इस पांच रुपए को वो एक एक रुपए करके खर्च करेगा और ये एक्स और वाई दो कॉमोडिटी है आपके ऊपर है आप इसको कोल्ड ड्रिंक बोले और इसको आप बर्गर बोले या फिर इसको आप मिल्क बोले इसको आप मैंगो बोले वो आपके ऊपर आप कुछ भी कह सकते हैं मैंने यहां पर एक्स कम्युडिटी कह दिया है और इसको मैंने यहां पर वाई कॉम्युडिटी कह दिया है तो कंज्यूमर की इनकम कितनी है फाइव रुपीज और जो कंज्यूमर है इस फाइव रुपीज के इनकम को टू कॉमिटी पे एक्सपेंड कर रहा है और उन टू कॉम्युडिटी का नाम मैंने रख दिया एक का एक्स और एक का वाई और अपने इनकम का वो रुपीज करके खर्च करेगा अब बच्चे खर्च करते टाइम पे आपको इस चीज का खासकर ध्यान रखना है कि जब भी खर्च करोगे तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल आपको लेना है क्योंकि अगर आप एक रुपए की टॉफी पे टॉफी पे अगर आप अपना एक रुपए भी खर्च करते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में तो वहां पर भी आप एकदम से रेंडमली कोई भी टॉफी आप नहीं ले लेते हैं एक सेकंड के लिए जरूर आप कंफ्यूज होते हैं या एक सेकंड डिसीजन लेने में जरूर ले लेते हैं कि मुझे इन ऑप्शन में, में से कौन सी टॉफी लेनी चाहिए तो आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने मन के अकॉर्डिंग देखते हो कि कौन सा आपको ज्यादा दिल आपका कर रहा है कहने का मतलब है कौन सी किसकी नीड आपकी ज्यादा है मतलब कौन आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल देगा तो आप भले ही उसमें दो सेकेंड जरूर सोचते हैं लेकिन सोचते हैं एक रुपए को खर्च करते टाइम पर भी और उसमें से फिर आप क्या करते हैं उसमें से आप मैक्सिमम सेटिसक्शन जो भी ऑप्शन अवेलेबल है मैक्सिमम जो आपको सेटिसफाइड करेगा आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऐसे पांच रुपए है इसको एक एक रुपए करके खर्च करना है एक्स पे और वाई पे तो खर्च करते टाइम पर बेटा आपको इस चीज का खासकर आपको ध्यान रख लेना है कि जो आप एक्स पे खर्च कर रहे हो और जो आप यहां पर वाई पे खर्च कर रहे हो एक एक रुपए करके खर्च करना है लेकिन हर एक रुपए में इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम लेवल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और एक्स भी एक रुपए का है और वाई का भी प्राइस क्या है एक रुपए है यह भी मैंने मैंशन कर दिया आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप क्या कंजम्पशन करेंगे पांच रुपए है वन वन कॉइन करके खर्च करेंगे क्लियर है एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए फर्स्ट कॉइन फर्स्ट रुपीज क्लियर है बच्चे तो फर्स्ट रुपीज पे अगर आप कॉमोडिटी एक्स को कंजम्पशन करते हैं तो आप एक रुपए का है ये भी इसकी एक यूनिट और वाई की भी वन यूनिट आपको वन रुपीज के मिल जाएगी और अगर आप यहां पर बेटा एक्स कॉमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं बच्चे अगर आप यहां पर एक्स कॉमोडिटी का कंजम्पशन अगर आप यहां पर करते हैं एक रुपए पहला रुपए आप कहां खर्च करेंगे अगर एक्स का कंजन करते हैं कम्योडिटी तो पहला रुपए अगर आप खर्च करेंगे तो पहले यूनिट मिलेगी आपको जो कि आपको ट्वेंटी यूटिल्स का सेटिसफेक्शन लेवल देगी तो सेटिसफेक्शन लेवल को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकली एग्जाम्पल ले लिया वो भी किस में में तो ये क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉम्युडिटी मतलब कि एक्स कॉम्योडिटी से जो आपका लेवल मिलता ये वो है, है, है? तो है यहां पर, यहाँ पर है बच्चे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी वाई इन यूटील तो वाई कॉम्यूडिटी के कंजम्पशन से जो भी आपको सेटिसफेक्शन लेवल मिल रहा है उस लेवल को हम यहां पर इन में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं खर्च करना आइए शॉपिंग स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए बेटा एक रुपए खर्च कीजिए तो अगर आप एक्स के ऊपर खर्च करते हैं तो पहली यूनिट आएगी जो कि बीस यूटिल देगा और अगर आप वाई पे खर्च करते हैं तो एक रुपया लगेगा इसका भी आप फर्स्ट यूनिट बाय करेंगे तो आपको ये सिक्सटीन यूटिल देगा तो बताओ फर्स्ट कॉइन कहां खर्च करेंगे आप दोनों में से तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट कॉइन आप वहां खर्च करेंगे क्योंकि एक कंज्यूमर का नेचर होता है कंज्यूमर एक एक रुपए इस तरीके से खर्च करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिले तो फर्स्ट कॉइन यहां 20 यूटील एंड फर्स्ट कॉइन वाई कॉमिटी की 16 यूटील्स तो बेटा आपको कौन सा आपको लेना चाहिए आप क्या कौन सा लेंगे बिल्कुल करेक्ट आप एक्स कमोडिटी का कंजन करेंगे क्योंकि एक्स से बीस यूटिल का सर्टिफिक्शन मिल रहा है तो वाई से सिक्सटीन यूटिल का मिल रहा है और हम हर एक रुपया खर्च करते टाइम पे ये ध्यान देखते हैं कि मैक्सिम सर्टिफिक्शन कहां से मिल रहा है तो चलिए ठीक है आपने इसको एक्सेप्ट करा कि जी सर हम इसको एक्स एक्स पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे और हमें कितना मिलेगा यहां पर ट्वेंटी यूटिल ठीक है यहां तक तो आप सक्सेस रहे अपने एक रुपए में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को लेने में अब बच्चे नेक्स्ट कॉइन की बात करें अगर हम तो नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो नेक्स्ट कॉइन दूसरा कॉइन अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो क्या आप एक्स पे एक्सपेंड करेंगे या आप वाई पे एक्सपेंड करेंगे कौन सी कॉमोडिटी को आप परचेज करेंगे सेकेंड कॉइन सेकेंड रुपीज से आपका ईच यूनिट ये वन रूपीज का है एक्स का और वाई का भी ईच यूनिट वन रुपीज का है आप अगर सोच रहे हैं कि सर एक्स का ही लेंगे बीस मिल रहा है बेटा अब आप एक्स आपको बीस नहीं देगा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है क्यों क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप किसी यूनिट का कंजम्पशन करते हैं और कॉन्टिन्यूसली कंजम्पशन करते हैं तो नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल आपका लास्ट यूनिट के कंपेटिवली कम, कम हो जाता है क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल हमारी नीड्स पे डिपेंड करता है और जब आप एक्स के एक यूनिट का कंजम्पशन कर चुके हो तो एक्स की नीड अब पहले जितनी नहीं है पहले से कम है तो इसलिए अब आप अगेन अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप x यूनिट का कर कंजम्पशन करके यूनिट ले लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि x यूनिट का वन यूनिट आप ऑलरेडी कंजम्पशन कर चुके हैं तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी

अब आप देखें जरा मैं इसको हल्का सा बच्चे मार्क कर रहा हूं बट आप एग्जाम में मत करना है, इस चीज को समझाने के लिए अब आपको 20 यूटिल तो नहीं मिलेगा तो बताइए सेकंड यूनिट कहां एक्सपेंड करेगा अगर वो सेकंड यूनिट एक्स पे एक्सपेंड करता है तो एक्स की उसको सेकंड यूनिट मिलेगी जो कि उसको सर्टिफिकेशन लेवल क्या देगा 14 का। कुछ भी एक मजा देगा 14 यूटिल्स उसको हमने कह दिया और अगर ये y पे जाकर के खर्च करे y कमोडिटी पे तो कितना मिलेगा उसका तो फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन करेगा बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल फर्स्ट टाइम का कंजम्पशन करेगा ये 16 दे देगा तो अब अभी अब ये पहले तो ये कंजम्पशन कर चुका है अब वो इसका कंजम्पशन करेगा y का तो अब सेकंड कॉइन कहां पे खर्च करता है वो y पे और y कितना दे रहा है 16 न्यूटिल दे रहा है तो ये y भी हमारा हो गया क्लियर है बच्चे अब थर्ड कॉइन की बात करें हम तो थर्ड क्वन कहा नहीं क्योंकि ऑलरेडी वाई का फर्स्ट यूनिट का कंजम्पन कर चुका है उससे सिक्सटीन यूटिल ले चुका है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कंटिन्यूसली कंजम्पन करेगा तो नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल लास्ट के कंपेटिवली फॉल होगा

थर्ड कॉइन कहा एक्सपेंड करेगा बिल्कुल सही एक्स पे करेगा क्योंकि एक्स पे क्या मिल रहा है उसको? 14 उसको मिल रहा रहा है 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 उसको उसको यूटिल्स क्लियर बच्चे समझ में आपको आपको तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंज्यूमर की इनकम जो भी होती है कंज्यूमर अपने इनकम का एक एक रुपए इस हिसाब से खर्च करता है कि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहे मैक्सिमम रहे अब थर्ड कॉइन भी एक्सपेंड कर चुका है ये क्लियर है तो अब ये 14 दोबारा कंजम्शन करेगा तो उसको 14 नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी कंजप्शन ये कर चुका है अब बच्चे यहां पर हम बात करते हैं बेटा यहां पर अब हम बात करते हैं कि कंज्यूमर अब क्या कंजम्पशन करेगा फोर्थ कॉइन की बात कर रहे हैं कंज्यूमर के तो फोर्थ कॉइन अगर वो जाता है किसके ऊपर एक्स के ऊपर तो वो इसकी थर्ड यूनिट कंजम्पशन करेगा और बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अब उसको फोर्टीन से भी कम मिलेगा क्योंकि कंटिन्यूसली कंजम्पशन करने के बाद सेटिस्फेक्शन लेवल आपका कंटिन्यूसली फॉल होता है तो इससे क्या मिलेगा आपको 12 और अगर फोर्थ कॉइन को अगर यहां पे खर्च करता है तो इसकी वो सेकेंड यूनिट का नहीं रहेगा कि मैं यही कंजम्पशन करूंगा वो कुछ भी इनमें से ले सकता है क्योंकि यहां करेगा तब भी वही लेवल मिलेगा बारह यूटिल्स का अगर वाई पे एक्सपेंड करता है तो वाई पे भी वाई की सेकेंड यूनिट भी बारह यूटिल्स देती है तो इसलिए वो कहीं पर भी खर्च यहां पर एक्सपेंड कर सकता है चलिए कोई बात नहीं इसको पे कर देते हैं बारह यूटिल्स ले लेते हैं तो एकस पे एक्सपेंड कर दिया और ये ट्वेल्व यूटिल्स आपका हो गया क्लियर है बच्चे अब लास्ट कॉइन फिफ्थ कॉइन

सेकेंड कंजम्पशन करेगा और सेकंड से कितना ट्वेल्व तो कि तो हम हम तो हम हमें देगा क्लियर है बच्चे तो ये भी हमारा ट्वेल्व यूटिल्स हो गया तो हमने क्या कंजम्पशन करा पांच रुपए खर्च हो गए गिवन इनकम लेकिन ध्यान रखिएगा हर एक रुपए से हमने मैक्सिमम लिया है तो पांचों रुपए से हमें मैक्सिमम सर्टिफिकेट मिलेगा क्लियर है पांच रुपए खर्च हो चुके हैं हमारे और पांच रुपए खर्च कर रहा तो हमने कितना लेवल लिया यहां पर देखिए जरा बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर और ये सेवेंटी फोर यूटील्स तो टोटल कितना मिला आपका टोटल आपका जो है फाइव रुपीज में सेवेंटी फोर यूटील्स का आपको सेटिसफेक्शन लेवल मिला है क्लियर है सुनवाया आपको क्लियर है बच्चे सेवेंटी तो फोर यूटिल्स का आपको यहां पर क्या मिल रहा है यहां पर आपको सेटिसफेक्शन लेवल आपको मिल रहा है एड कर ले बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर और चार चौहत्तर 74 फोर यूटिल्स कर रहा है आप मैंने इसमें क्या करा पांच रुपए में मैंने x की तो तीन यूनिट का कंजम्पशन करा है और y की मैंने दो यूनिट का कंजम्पशन करा है पांच रुपए खर्च कर दिए और मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम है आपको मैं दे रहा हूं अपॉर्चुनिटी चलिए आप पे पास पांच रुपए आप अपने हिसाब से खर्च करें और 74 से अब आप ले आप लेवल लेके दिखा दें कहेंगे सर चार कंज्यूम कर लेते हैं ठीक है अगर आप चार कंज्यूम कर लोगे तो सात आएगा और एक ये कंजन करोगे फिर आप चार ये एक ही अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ट्वेल्थ ड्रॉप करके सेवन ले रहे हो तो आपका लेवल फोर से डिक्लाइन होगा आप कहोगे सर तीन वो दो वो तो ठीक है दो ये लेंगे और तीन ये तो आठ ले लेंगे और बदले में आपका क्या छूट जाएगा बारह तो आपका टोटल सेवेंटी फोर से, से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है क्लियर है तो कब हुआ आपका सेवनटी फोर टोटल जबकि आप एक्स का कितना तीन यूनिट का कंजप्शन करते हैं और वाई के कितने दो यूनिट का आप कंजप्शन करते हैं क्लियर है बच्चे और आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि सेटिसफेक्शन लेवल किसमें यूटीज ये बात क्लियर हुई आपको ये चीज क्लियर हुई अब आइए सेटिस्फेक्शन लेवल इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स है मनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल को सेटिस्फेक्शन लेवल इन द टर्म्स ऑफ मनी क्लियर है तो सेटिस्फेक्शन लेवल इन टर्म्स ऑफ मनी क्या होता है जरा ये देखिए तो आपके पास में माजे यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी ठीक है बेटा इसको सेटिस्फेक्शन लेवल भी कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी तो कैसे होगा मनी में बेटा सेटिस्फेक्शन लेवल इन वन रुपीज को क्या कहते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी क्लियर है मार्जिन यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं लेवल भी इस मार्जिन यूटिलिटी को हम क्या कह सकते हैं इसको आप लेवल भी आप कह सकते हैं क्लियर है तो सेटिस्फेक्शन आपका इन टर्म्स ऑफ मनी क्या होता है तो सेटिस्फेक्शन इन वन रुपीज मतलब मार्ज सेटिस्फेक्शन इन वन रुपीज एक रुपए में आपको जितना भी सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है इसको हम मार्जिन यूटिलिटी टर्म्स ऑफ मनी कहते हैं क्लियर है समझ में आए आपको एग्जाम्पल के लिए देखिए मान लीजिए मैंने ट्वेंटी रुपीज प्राइज है किसी एक्स कॉमोडिटी का और उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल मिला मार्जिन यूटिलिटी मिला एक्स से वो मुझे मिला हंड्रेड यूटीज

रुपीज में आया तो वन रुपीज में जितना भी आपको टर्म्स ऑफ मनी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारा क्वेश्चन तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे निकालते हैं मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉम्युनिटी इन दर्म्स में कितना मिला? और आपने क्या कराइस है मार्जिन कर यूटिलिटी तो ठीक है, है, तो है यहां पर कंज्यूमर में आ चुका है पांच रुपए खर्च कर चुके हैं जिसमें से तीन रुपए हमने एक्स कॉम्युनिटी पे खर्च करा एक्स की थ्री यूनिट का कंजन करा और दो रुपए हमने वाई पे

लेकिन बच्चे एक पहचान भी होती है ना एक आइडेंटिटीज भी होती है ठीक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया बट इसकी आइडेंटिटीज क्या है कंडीशंस क्या है क्लियर है एड्रेस क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है इसकी आइडेंटिटीज का क्या है हमें कब पता लगेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? तो बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा लास्ट के टू कॉइंस से क्या है इसमें इन्हें कॉन्सेप्ट क्या है लास्ट के टू कॉइंस से लास्ट के टू कॉइंस दिस एंड दिस जो आपका सेटिसफेक्शन लेवल मिल रहा है क्या मिल रहा है इक्वल मिल रहा है तो जो लेवल क्या मिल रहा है आपका इक्वल मिल रहा है तो कभी भी ध्यान रखिएगा वो स्टेज जब आपके लास्ट के टू कॉइंस से सेफेक्शन लेवल आपका इक्वल रहे तो समझ जाइए कि आप अपने गिवन इनकम में मैक्सिमम सेटिसफेक्शन ले रहे हैं और कंज्यूमर कहां पर है एकब्रियम में है लास्ट के टू कॉइंस से क्लियर है बच्चे ध्यान रखे रहेगा आपको ये कि लास्ट के टू कॉइन से अगर आपको उससे सेटिस्फेक्शन नंबर अगर इक्वल मिल रहा है तो मतलब कि इस पूरे के पूरे इनकम में आपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपना लिया है अब देखे बच्चे यहां पर प्राइस क्या है इसका इसका प्राइस तो बेटा क्या है एक तो एक रुपए में ही लेवल मिल रहा है एक रुपए में लेवल मिल ना तो ये एक रुपए में मिलने वाले को हम एमयू एम कहते हैं तो ये एक तरीके से एमयूएम ऑफ एक्स कॉम्युडिटी हो गया और ये एम यू एम ऑफ वाई कॉम्युडिटी हो गया ये इसी को आप सेम इसी को आप क्या कह सकते हैं इसी को आप यहां पर मैं लिख देता हूं कि इसके बारे में आप कह सकते हैं एमयूएम ऑफ एक्स कॉम्योडिटी क्यों क्योंकि एक रुपए प्राइस है तो एक रुपए मिलने वाला satisfaction level है और आपके पास में मेंम्योडिटीज तो ये आपका M -U -M है एक रुपए मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल तो कंडीशन क्या होगी लास्ट के टू कॉइन से अगर लेवल सेम मिल रहा है तो समझ जाइए हर एक रुपए इसने

मार्जन यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी ऑफ वाई कम्युनिटी तो वाई से जो मुझे मिला यूटिल्स में सर्टिस्फेक्शन लेवल और वाई का जो प्राइस है वन है

ये क्लियर है आपको कोई डाउट एमयू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू वाई अपॉन पी वाई बेसिकली क्या है एम यू एम माजे यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी है तो ये कंज्यूमर एक की क्या होगी कंडीशन होगी लास्ट के टू कॉइन से मिलने वाला सर्टिस्फेक्शन लेवल इन द टर्म्स ऑफ मनी इक्वल होना चाहिए क्लियर है जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहां पर है भी और इसके साथ साथ बच्चे इसी को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो जो आपका रेशो आ रहा है किसका रेशो आ रहा है जो एक्स कॉमोडिटी से आपका सेटिसफेक्शन लेवल मिला और जो वाई कॉमोडिटी से जो सेटिसफेक्शन लेवल मिला उसका रेशो और जो दोनों के प्राइस का रेशो सेम होना चाहिए इसी से आप डिराइव कर सकते हैं इसी से आप बना सकते हैं क्या आप बना सकते हैं एमयू एक्स -X, जो एक्स X सेटिस मिला एम यू वाई जो वाई y सेफेक्शन मिला इसका रेशो और प्राइस एक्स और प्राइस दूसरे का वाई इसका रेशो क्या है इक्वल है नहीं तो मैं आपको चेक करवा देता हूं देखिए कंडीशन में जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आया तो इसमें आपका MUx एक्स क्या है बारह और वाई भी क्या है बारह और इसकी प्राइस क्या वन और वन तो रेशो क्या आ गया वन रेशो वन एक वन रेशो वन तो इसकी एक और कंडीशन हो गई हमारे पास में क्या दिस क्लियर है तो वन मार्क्स में आपके इसमें से कुछ भी क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं तो इस चीज के ऊपर आप खास ध्यान रखेंगे तो बेसिकली इसका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि कंज्यूमर अपने गिवन इनकम को डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज पे इस तरीके से एक्सपेंड करेगा कि उसको हर एक ईच सिंगल रुपीज से उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या रहेगा वो उसका मैक्सिमम रहेगा क्लियर है क्या रहेगा उसका वो ये मैक्सिमम रहेगा और इसके आइडेंटिटी क्या है कंडीशन क्या है आप दे हमेशा चेक करेंगे इस केस में कि लास्ट के टू कॉइंस से उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या मिल रहा है इक्वल मिल रहा है लास्ट के टू क्वेंस से जो मार्जिन यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी है ये क्या है आपके ये आपके इक्वल है क्लियर है तो इसीलिए सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एक्स कॉमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स तो सेटिस्फेक्शन लेवल इन द टर्म्स ऑफ मनी ऑफ एक्स कॉमोडिटी एंड सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ वाई कॉमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई इट्स कॉल्ड सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ वाई कॉमोडिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी आर इक्वल्स यहां पर कंज्यूमर इक्लिब्रियम में आ जाता है क्लियर है तो ये चीज आप समझ गए आइए जरा अपने इसी कॉन्सेप्ट को हम एक ग्राफ से भी समझते हैं आप अपने सामने ग्राफ देख रहे हैं और ग्राफ में ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है क्लियर है और आपको पता है कि ग्राफ में वाई एक्सिस पे आप ऊपर जितना जाएंगे उतनी ज्यादा डिजिट बढ़ेगी नीचे जितना आएंगे उतना ही कम होगा वाई एक्सिस जितना नीचे आएंगे उतना ही कम होगा तो यहां पर देखिए सेटिस्फेक्शन लेवल वाई एक्सिस को पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल मैं एक्स का रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस साइड जाएंगे तो मैं

और एक मैंने यहां पर आपके पास पे जो शेप मैंने यहां पर बनाया है वो किसका बनाया है आपका एम यूएम किसका बनाया बेटा हमने एमयूएम वाई का ये तो जैसे आप

और इस पॉइंट पे वाई से क्या मिल रहा है दिस तो जो जो लेवल लेवल है है का का और जो y का क्या है? ये इक्वल है तो इक्वल होने की वजह से कंज्यूमर क्या है इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आ गया क्लियर है बच्चे समझ में आपको यह आ गया तो बेटा आप इसी की थ्योरी को क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें आपसे ऐसा ही पूछा गया था कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ना हो तो क्या होगा क्लियर है तो चलिए अपने आंसर को आगे कंटिन्यू करते हैं ये टेबल आपको समझ में आ गया और आपको ये डायग्राम भी समझ में आ गया बच्चे क्लियर है चलिए बच्चे थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हैं हां जी बच्चों आइए थ्योरी पे देखिए क्या कह रहा है थ्योरी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हम अपने इक्लेब्रियम पे आने के लिए जो हमारी गिवन इनकम है यहाँ पर पांच रुपए उस पांच रुपए में से हर एक कॉइन्स को हम इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे कि हमें टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा मैक्सिमम हो जाए हर एक रुपए को इस तरीके से खर्च करेंगे कि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा मैक्सिमम हो और हमने यहाँ पर यह भी पढ़ा कि हम यहाँ पर एक्स कमोडिटी के तीन यूनिट का कंजम्पशन करेंगे और वाई यूनिट

It happens when consumer buy 3 units of X and 2 units of Y. Clear? Because MU from last rupees, 5th rupees spent on community Y gives the same satisfaction of 12 utils as give the by the last rupees spent on community X. तो लास्ट के जो दो कॉइन से नंबर पे हमें ट्वेल्व यूटिल्स मिला था और कॉइन नंबर फाइव पे भी हमें वाई पे जब हमने इसका सेकेंड यूनिट खर्च करा सेकेंड यूनिट पे एक्सपेंड करा था तो ट्वेल्व यूनिट मिला था तो कॉइन के लास्ट दो कॉइन्स लेवल क्या मिला था हमारा सेम मिला था तो ये यही कह रहा है हमारे पास बिकॉज एम यू फ्रॉम लास्ट रूपीज फिफ्थ रूपीज स्पेंट ऑन कॉम्युडिटी वाई गिव्स द सेम सेटिस्फेक्शन ऑफ ट्वेल्व एज गिवन बाय द लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन कॉम्युडिटी एक्स एक्स पे जो लास्ट एक्सपेंड करा था तो क्वेंड नंबर फोर्थ था जो एक्स पे करा था वो ट्वेल्व दे रहा था एंड एमयू ऑफ ईच कॉम्यूडिटी फॉल्स चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा फॉल्स होगा

तो ये हमने अभी जो समझा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में उसको थ्योरी में हमने ऐसे एक्सप्लेन करा अब आइए आप देखते हैं कि अगर सेटिस्फेक्शन लेवल में ना हो तो कैसे पहुंचेगा वो प्रोसीजर कैसे होगा लेवल पहुंचने का हां जी बच्चों अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कॉमोडिटी या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के क्वेश्चन में अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कंज्यूमर एक्लेबरियम में नहीं है तो तक जाने का प्रोसेस क्या होगा? तो इसको बड़े अच्छे से आप समझिएगा अपने आंसर को कंटिन्यू कर रहे हैं हम इस पे से आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चे सबसे पहले आपको एक कंडीशन में दे रहा हूं यहां पर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स लेस देन एम यू वाई अपॉन पी वाई अब आप सोच रहे होंगे क्या होता है तो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं आपके पास में वीडियो की एक्सेस रहते एक्स तो कमोडिटी कर भी भी तो तो मतलब के कंजम्पशन करने से उससे यूटील्स में जो लेवल आपको मिल रहा है ये वो है डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स एक्स को जितने में परचेस कर रहे हैं उसकी प्राइस से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा कि उसके एक रुपए में कितनी यूटिल्स मिल रहा है तो एमयू एक्स मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम एक्स कॉम्योडिटी इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स एंड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स कॉम्योडिटी इट्स कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी ऑफ एक्स कॉम्युडिटी क्लियर है एक्स कॉम्योडिटी से एमयूएम मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी क्या किसे कहते हैं एक रुपए में जितना भी यूटिल्स मिलता है उस यूटिल्स को हम MUM कहते हैं तो ये एमयूए बन जाएगा प्राइस से डिवाइड करने से आपका आ जाएगा कि एक रुपए में कितने यूटिल्स हैं और एक रुपए में जितने भी यूटिल्स होते हैं उस यूटिल्स को हम मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी कहते हैं और ये क्या है बच्चे ये आपका एमयू वाई वाई यूनिट के कंजम्पशन से वाई कमोडिटी के कंजम्पशन से उससे जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है ये वो है डिवाइडेड बाय पी वाई प्राइस का जो प्राइस था उससे डिवाइड करा जो जो प्राइस था तो एक्स कॉम्योडिटी से जो आपका लेवल है और वाई कॉम्य से जो आपका है, इसके प्राइस से डिवाइड करने से एम और डिवाइड करने से ऑफ वाई तो एक रुपए में कितना लेवल मिल रहा है एक्स से और एक रुपए में कितना लेवल मिल रहा है वाई से ये वो है अगर हम बिल्कुल सिंपल वे में समझे तो तो आप इसमें एक चीज देख रहे हैं कि आपका X से सेफेक्शन लेवल क्या मिल रहा है कम मिल रहा है और Y से क्या मिल रहा है एक रुपए में ज्यादा मिल रहा है जबकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कंपल्सरी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एक रुपए से लास्ट के टू कॉइन से जितना X से सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है इतना ही हमें Y से मिलना चाहिए लास्ट के टू कॉइन से मतलब कि इट ब्रिंग्स अक्स क्लूजन दैट एम यू एक्स ऑफ पी एक्स इक्वल टू एमयू वाई अपॉन पी वाई मतलब की लास्ट रुपए से के एक रुपए से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वाई के एक रुपए से भी उतना ही मिलना चाहिए लास्ट के टू कॉइन से तो इज ने कंडीशन टू अटेंड कंज्यूमर एक्म तो यहां पर यह इक्वल होना चाहिए लेकिन एक्स के एक रुपए से जितनी यूटिल्स मिल रही है वो वाई के एक रुपए जितनी यूटिल्स मिल रही है उससे कम मिल रही है तो कहीं कही ना कहीं हमें इसको इक्वल करने के लिए आपके पास में दो वे हैं एक तो यह है कि एक्स का एक रुपए से यूटीज बढ़ाया जाए मतलब कि एक्स का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाया जाए तो बच्चे एक्स का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे बढ़ा सकते हो आप किसी कम्युनिटी का सेटिस्फेक्शन लेवल हायर कहां पर होता है जब आप उसकी कम यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो सर्टिफक्शन हाई होता है और जब आप ज्यादा यूनिट का कंजम्पशन कर लेते हैं तो बिकॉज ऑफ लॉ डिमिनिशिंग डोम यूटिलिटी सर्टिफिक्शन कम हो जाता है तो यहां पर आप कह सकते हो कि आपको एक्स से मिलने वाले सर्टिस्फेक्शन को बढ़ाने की आपको नीड है क्लियर है तभी आप प्राइस डिवाइड करेंगे तो एक रुपए से ज्यादा यूटिल्स मिलेंगे तो आपको यहां पर इसके इक्वल कर पाएगा तो इसको बढ़ाएंगे कब जब आपका ये तभी बढ़ेगा जब आप एक्स का कंजम्पशन लेस कर दो एक्स कम्युनिटी कंजम्पशन कम करोगे तो आपका माज़े यूटिलिटी ज्यादा रहेगा प्राइस डिवाइड करेगा एमयूएम ज्यादा आएगा तो कम से बढ़ेगा तो यह इक्वल आएगा और और कब तक करते रहोगे जब तक ये इक्वल ना हो जाए तो कंज्यूमर एक में आ जाएगा दूसरा वे ये है कि इक्वल करने के लिए वाई का सेटिस्फेक्शन लेवल एक रुपए से ज्यादा यूटिल से आपका तो एक रुपया कम यूटिल करेंगे वाई का ज्यादा है अभी बराबर करने के लिए कम करेंगे तो उसके बराबर होगा तो इसका और यूनिट का वाई कम्युनिटी का आपका और यूनिट का कंजम्पशन करोगे तो वाई से मिलने वाला सर्टिफिक्शन लेवल इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स कम होगा प्राइस से डिवाइड करेंगे तो एक रुपए में कम्यूटी मिलेगा इसके बराबर हो जाएगा तो दो वे है एक तो आप कह सकते हो कि एक्स से मुझे सर्टिफिक्शन लेबल कम मिल रहा है तो ज्यादा मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा एक्स कर का लेस यूनिट का कंजम्पशन करेगा और आप दूसरा वे क्या है आप बोल सकते हैं वाई से ज्यादा मिल रहा था वाई से कम यूनिट मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कम यूटिल्स मिले आपको तो आपका वाई का मोर कंजन करना पड़ेगा दोनों में से किसी भी एक वे में चले जाए कंज्यूमर एक में आ जाएगा आइए क्या कह रहा है जरा पढ़ते हैं इस चीज को यहां कह रहा है द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिन यूटिलिटी पर इन केस ऑफ गुड वाई वाई से एक रुपए में ज्यादा मार्जिन यूटिलिटी मिल रहा है एज कंपेयर टू एक्स दिस विल लीड टू फॉल इन एम यू वाई हमें इसकी वजह से क्या करना चाहिए हमें इसके सर्टिस्फिक्शन में कमी करना चाहिए क्लियर है in case of, and rise in -X. और हमें -X का बढ़ाना कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय मोर ऑफ वाई टिल एमयू एक्स ये वाई को ज्यादा कंजम्पशन करेगा तो वाई से मिलने वाला सर्टिफक्शन कम हो जाएगा तो एक रुपए में कम यूटिल्स मिलेगा इसके इक्वल हो जाएगा कंज्यूमर में कंडीशन में आ जाएगा अगर बच्चे आपको यहां पर इस कंडीशन में अगर आपको डाल दें MUx एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर पी वाई अब आप सोच रहे क्या है तो बेटा MUx एक्स का मतलब है एक्स कॉमोडिटी के कंजम्पशन करने से उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिला है उसको इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स उसे MUx एक्स कहते हैं पी एक्स एक्स का प्राइस तो x के प्राइस से डिवाइड कर दोगे उसके सेटिसफेक्शन लेवल यूटिल्स को तो ये आ जाएगा एक रुपए में कितना सेटिसफेक्शन लेवल मिल रहा है तो ये एम यू एम है मतलब एक रुपए में कितने यूटिल्स मिल रहा है और ये एम यू वाई मतलब वाई यूनिट के कंजम्पशन से आपको कितना सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है कितने यूटिल्स मिल रहा है और प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि वाई के एक रुपए में कितने यूटिल्स मिल रहा है तो अगर आप सिंपल फॉर्म में देखें तो एक रुपए में एक्स कितना यूटिल दे रहा है और एक रुपए में वाई से कितने यूटिल्स मिल रहा है तो ऑब्जर्व करेंगे तो एक्स से ज्यादा यूटिल्स मिल रहा है तो जबकि एक्लिब्रियम में आने के लिए क्या कंपल्सरी कंडीशन है इट ब्रिंग्स अस कंक्लूजन दैट एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एमयू वाई अपॉन पी वाई इज नेसेसरी कंडीशन टू अटेंड द कंज्यूमर्स एक्लिब्रियम क्लियर है बच्चे समझ में आपको ये तो यहां पर आप देखें तो यहां पर लेकिन आपके पास में x से एक रुपए में ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है कंपेटिवली टू वाई तो क्या करेंगे आप यहां पर बच्चे आपको इक्वल करने के दो वे हैं। एक तो आप क्या करें एक्स सेटिस्फेक्शन लेवल को कम करें जिससे कि आपका ये वाई के इक्वल आ जाए क्योंकि ज्यादा है तो कम कैसे करेंगे एक्स से एक रुपए में जितने यूटिल्स मिल रहा है वो वाई में एक रुपए से यूटिल्स मिल रहा है उससे ज्यादा है और कंज्यूमर एक तब तक नहीं हो पाएगा जब तक तो दोनों के इक्वल ना हो जाए तो इक्वल लाने के लिए काम कर सकते हो एक्स का सर्टिफिक्शन डबल आपको कम करना पड़ेगा अब बताइए किसी भी कम्युनिटी का सर्टिफिकेशन डबल कम कब होता है जब उसके मोर यूनिट का कंजन करते हैं तो यहां पर आपका एक्स का कंजन बढ़ाना चाहिए या फिर वाई का सर्टिस्फेक्शन डबल आप बढ़ाने की बात करें तो वाई का सर्टिस्फेक्शन कैसे बढ़ सकता है जिससे कि इसके इक्वल आ जाए तो सर्टिफिकेशन हायर का होता है कम यूनिट के कंजम्पशन पे तो वाई का अगर आप लेस यूनिट का कंजन करेंगे ना तो वाई से मिलने वाला सर्टिफिकेशन आपका हाई रहेगा और ये इसके इक्वल आएगा और कंज्यूमर एक में आ जाएगा तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी पर इन केस ऑफ गुड एक्स क्या कह रहा है द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज इन केस ऑफ गुड्स एक्स एक्स में एक रुपए में ज्यादा एस कंपेयर टू वाई दिसमय करना चाहिए बढ़ाना चाहिए द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाई मोर ऑफ गुड एक्स टिल एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एमयू वाई अपॉन पी वाई फाइनली कंक्लूजन कहा पहुंचा हमारा इट ब्रिंक्स ियम तो बच्चे उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसके बाद अब हम ये इसके बाद एक और हमारा लेक्चर रह गया है जिसमें कि आपका इसको हम वाइंड अप कर लेंगे क्लियर है क्लियर है बच्चे तो अब इसके बाद हम कंज्यूमर कैसे आते हैं उसको देखेंगे देखें, उस अगली उस देखने के लिए बेटा आपको इसको अच्छे से एनालाइज करना है अच्छे समझना है तब वो क्लास आप समझ पाएंगे बिल्कुल डायरेक्ट इससे रिलेट करता है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हम ठीक है बच्चे थैंक यू बच्चे थैंक यू थैंक यू, यू सो मच